तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक छोटा सा मिनी मिसाइल बनाना बताया उस वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने एक चीज़ मैंने नहीं बताया था कि उसकी पावर कितनी है। यानी कि मैंने उसकी टेस्टिंग तो की थी, लेकिन फ्रेंड्स उस मिसाइल में कितनी पावर है इसकी मैंने टेस्टिंग नहीं की थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने उसी चीज़ की टेस्टिंग की है। तो उसको क्या किया है, मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर चला के देखा है कि उसमें एक्चुअल में कितनी पावर है, वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है या नहीं। तो और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने उसे फिर से बनाना भी बताया, ताकि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, आप केवल इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप उसे बनाना भी सीख जाओ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक माचिस ले लेनी है, एक सिगरेट वाली लाइटर और एक इस प्रकार की जो ऑल पिन होती है उसको हमको ले लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ रिफ़िल मार्केट से परचेज़ किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको नया रिफ़िल लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में ख़राब रिफ़िल भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको बस बोल देना है आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए, तो आप मार्केट से ख़राब रिफ़िल ला के भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 11 रिफ़िल परचेज़ कर लिए, जो कि मुझे केवल 2 रुपये में मिला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे रिफ़िल्स को निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स, इसकी जो रिफ़िल के जो आगे वाले पॉइंट है, निप है, टिप है, बॉल है, जो भी है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है इसको क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। तो फ्रेंड्स, इन सभी 11 रिफ़िल में से मैंने इसे निकाल लिया है और इसे मैं पेट्रोल में डाल के साफ़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर की जो इंक है उसको साफ़ करना ज़रूरी है। अगर आप फ्रेंड्स पेट्रोल नहीं है तो आप उसके अंदर ऑयल पेंट डाल के भी उसके अंदर की जो इंक है उसे आप साफ़ कर सकते हो कपड़े के द्वारा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इंक पूरी तरीके से साफ़ होनी ज़रूरी है अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने उसे पेट्रोल में डाल के अंदर से जितनी भी उसकी इंक है सभी बाहर आ जाएंगी इस तरीके से। तो मैंने उसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है अंदर से, इंक का बाहर आना ज़रूरी है फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर से ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं जो है कि जो माचिस होती है उसकी जो तीली होती है उसके ऊपर जो बारूद लगी होती है उसका मसाला मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ तीलियों का मसाला निकालूंगा बारी बारी से, एक लाइन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारी तीलियों का मसाला इस तरीके से निकाल लिया है, मसाला नहीं सॉरी फ्रेंड्स, बारूद जो होती है इसके ऊपर की। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसे मसाला ही बोलते हैं, तो मेरे मुँह से भी मसाला निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, उन सभी बारूद को हमको क्या करना है, इस जो निप है पेंट की रिफ़िल की, इसके अंदर हमको बारूद को भरना है। तो बारूद को भरने के लिए फ्रेंड्स, पहले हम थोड़ा सा बारूद भरते हैं और बारूद पूरी तरीके से अंदर नहीं जाती, तो हमें इसे क्या करना होता है, ऑलपिन से आगे से पुश करना होता है, तो जिससे मसाला अंदर की ओर भरता जाता है। तो पहले हम थोड़ा सा मसाला भरेंगे, फिर ऑलपिन से पुश करेंगे, फिर मसाला भरेंगे, फिर ऑलपिन से पुश करेंगे, तो जितना भी बारूद है वो सभी इसके अंदर भरा जाएगा। तो इसे हमें टोटली बिल्कुल टाइट अंदर भर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे भर दिया है बिल्कुल अच्छे से। और इसको भर देने के बाद फ्रेंड्स, मेरे पास 11 पीस जो निप थी सभी के अंदर मैंने बारूद भर दिया है माचिस का। तो ये फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हम इसकी गन बनाएंगे छोटी सी। तो फ्रेंड्स, इसकी गन बनाने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली एक ऑयल पिन ले लेना है और जो हमारी सिगरेट वाली लाइटर होती है उसके ऊपर हमें इसे इस प्रकार से जो तार वाली टेप होती है उसे हमें यहाँ पर फिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे लगा दिया इसके ऊपर, बिल्कुल आसान है, इसे तो एक बच्चा भी बना सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो इसकी जो आग होती है वो जलनी चाहिए इसके सीधे नोक पे। तो जब भी आप जलाओगे उसकी आग सीधे इसके नोक पे पड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे फायर करके देखते हैं। तो इसको फायर करने के लिए हमको क्या करना है, जो हमने ये पॉइंट बनाया है, जो मिनी मिसाइल बनाया है, इसको हमको ऑलपिन के नोक पर इस तरीके से लगा देना है और फिर हम इसे थोड़ा अंदर की ओर पुश करते हैं ताकि ये टाइटली एडजस्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको कम्प्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये छोटा मिनी मिसाइल लॉन्चर, तो आप इसे ये भी बोल सकते हो, ये भी इसके लिए सही शब्द होगा, मिनी मिसाइल लॉन्चर, छोटा सा आप इसे बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम सबसे पहले गुब्बारे पे ट्राई करेंगे, फिर बाद में हम इसे और भी चीज़ों पे ट्राई करेंगे। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो गुब्बारे को भी इसने फोड़ दिया, लेकिन फ्रेंड्स अभी रुके रहिए, यहाँ और भी चीज़ बाकी है। तो गुब्बारे तो फोड़ना फ्रेंड्स बिल्कुल आसान काम था, तो अभी मैं इसे किसी और चीज़ पे भी ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बल्ब ले लिया और उसके अंदर की जो भी गैस थी मैंने निकाल दिया है, ताकि अगर इसके द्वारा बल्ब फूटता है तो उसका जो कांच होता है वो बिखरे ना और मेरे आँख पर ना पड़ जाए, इसलिए मैंने एक सेफ्टी ग्लास भी पहन लिया है। तो अभी चले फ्रेंड्स, इस पर ट्राई करते हैं।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मुझे तो लगा था कि ये जो बल्ब है वो टूट जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे टूटा नहीं है। वीडियो बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो। अगर फेक वीडियो होता तो मैं इस बल्ब को फोड़ के भी दिखा देता। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं दूसरे बल्ब पे नहीं ट्राई करूँ, क्योंकि मुझे पता है बल्ब नहीं फूटेगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा बल्ब पर इसे ट्राई किया। तो अभी फ्रेंड्स हम ड्यू की बोतल पर ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर चलाया जो ड्यू की हमारी केन है। और फ्रेंड्स ये थोड़ा बहुत तो खतरनाक है ही, उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हल्का सा इसके ऊपर छेद कर दिया है, जो कि मैंने पहले से नहीं किया हुआ है, क्योंकि आप लोग पता है फ्रेंड्स मैं फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो ये बिल्कुल रियल है, ये इतना तो पावरफुल है ही। लेकिन फ्रेंड मुझे लगा था ये पूरा छेद कर दिया, लेकिन ये उतना ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत ये पावरफुल है, तो इससे थोड़ा बहुत आपको खतरा हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।